वेलकम बैक टू माय डेब चैनल बेटी हेड वन मैं हूँ सीमा मेरी तबियत खराब हो गई थी इस वजह से वीडियो नहीं आई थी और तबियत क्यों खराब हुई थी क्या प्रॉब्लम थी वो मैं आप लोग के साथ में ब्लॉग चैनल पर शेयर करूंगी और ये वीडियो आज की ही है और आज ही शूट कर रही हूँ मैं अभी मैं ठीक हूँ और आप लोगों को चीज़ें बताऊँगी कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं बट मैं पॉजिटिव रहती हूँ जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना तो हमारे साथ में जो चीज़ें होती हैं ना बहुत अच्छी होती हैं ये मेरा मानना है मैं जब नेगेटिव होती हूँ तो मेरे साथ में जो चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव वे में चली जाती हैं ठीक है तो आज की वीडियो में मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो नाइन मंथ का हेयर ग्रोथ शैम्पू है देखिए मैंने आप लोग के साथ में टोनर शेयर किया है शैम्पू शेयर कर रही हूँ रिंस वाटर शेयर कर रही हूं जब भी आप कोई चीज़ अपने बालों में बनाकर लगाओगे तो सबसे पहले अपने बालों को वॉश करोगे उसके बाद ही आप अपने बालों में हेयर पैक ऑयल और टॉनिक सिरम का एप्लीकेशन करोगे तो बेटर होगा तो इसीलिए मैंने आप लोग के साथ में जो भी एसेंशियल ऑयल है हमारे या जो भी एसेंशियल चीज है लाइक आपका रिंस वाटर है टोनर है या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीजें पहले ही रिवील कर देती हूँ नाइन मंथ में आप लोग के साथ में जो एसेंशियल मैंने शेयर किए हैं एक मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों ने देखी होगी चार एसेंशियल के बारे में मैंने बताया था उसमें आप लोग वो एसेंशियल ले आइएगा कल से उस पर वीडियो आएंगी शॉर्ट वे में कि आपको किस तरीके से उनको यूज करना है ठीक है बाकी मैं आप लोगों को इस मंथ में चार एसेंशियल ऑयल का यूज करके हेयर केयर रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ तो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही बढ़िया सा आपका सरसों का बहुत ही बेहतरीन सा इफेक्टिव सा हेयर शैम्पू जो कि आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करने वाला है पहले के टाइम में सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता था और लोगों के बाल बहुत अच्छे रहते थे हमेशा काले रहते थे तो सरसों का तेल आज के टाइम में मिलना एकदम प्योर पॉसिबल नहीं है जो सरसों के बीज उगाए भी जाते हैं वो भी केमिकल के थ्रू उगाए जाते हैं आप लोगों को भी पता होगा कोई भी चीज़ आजकल नेचुरल वे में नहीं मिल रही है मिलावट चीजें मिल रही हैं या फिर केमिकल डाल करके उनको उगाया जाता है ठीक है तो आज की वीडियो में जो मैं चीज़ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इफेक्टिव है आप लोग के साथ में इस शैम्पू को बनाइए यूज़ कीजिए और इनके जो फीडबैक हो मेरे साथ में शेयर कीजिएगा विश्वास मानिए फर्स्ट एप्लीकेशन में आपका हेयर फॉल रुक जाएगा तो चलिए देखते हैं शैम्पू कैसे बनाना है so सो गाइज़ यहाँ पर आपको बाउल चाहिए और यहाँ पर हमने वही स्प्राउट्स लिए हैं अपने वही सीड्स लिए हैं ये स्प्राउट्स नहीं बने हैं क्योंकि हमने इसे स्प्राउट्स नहीं बनाना स्प्राउट्स के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं मैंने अपने चैनल पर आप लोग के साथ में शेयर किए हैं ठीक है तो उसका एक अलग टॉपिक अलग प्लेलिस्ट वीडियो बनाऊँगी और वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी तो यहाँ पर हमारे जो टोनर में सीड्स हमने यूज़ किए थे दालचीनी सरसों के बीज और मेथी दाना ठीक है इसको आपको टोनर बना लेना है बनाने के बाद से आप लोग को इसको रख देना है दो से तीन दिन के लिए ठीक ख़राब नहीं होगा बाहर रखना है रूम टेम्परेचर पर रखना है बहुत ज़्यादा गर्मी है आपके जहाँ आप रह रहे हैं एरिए में तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं उसके बाद इसको पानी के साथ में ग्राइंड कर लेना है थोड़ा सा और ग्राइंड करने के बाद से इस तरीके से आपको स्टेनर से छान लेना है ये शैम्पू इतना गजब का है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ अब आप बोलोगे कि आपकी हर एक चीज़ गज़ब की होती है तो गाइस देखो मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है कि चीज़ें मेरी गज़ब की हैं आप लोग यूज़ नहीं करते तो आप लोग को नहीं पता है बट हाँ जो लोग लिटरली इस चीज़ों को यूज़ करते हैं उनके बालों में डिफ़्रेंस होता है फ़र्क पड़ता है और लोग आ कर के मेम्बरशिप भी ले रहे हैं प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं और हमारे साथ में वन ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज भी कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे मेल हैं जिन्होंने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और किया और उनके बाल भी आना शुरू हुए हैं मैं आप लोग के साथ में इनका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करूँगी बट उनसे मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी उसके बाद तो यहाँ पर हमने ग्राइंड किया अपना जो मिक्सचर था जो सीड्स थे ग्राइंड करने के बाद इसका जो पेस्ट है वो निकाल लिया है निकालने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे क्लिनिक प्लस का एग प्रोटीन शैम्पू क्लिनिक प्लस आलमंड ऑयल शैम्पू या क्लिनिक प्लस मिल्क प्रोटीन शैम्पू तीनों शैम्पू में से कोई भी एक शैम्पू आपको ऐड करना है और इससे अपने बालों को वॉश करना है आप जब इसका प्रयोग करेंगे अपने बालों के लिए ना गाइस सच में मैं बता रही हूँ कि आपके बाल भयंकर मोटे लंबे घने हो जाएंगे और इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पर कहूँगी कि आप लोग एक बार उसको बनाइए और एक महीने या तीन महीने इस शैम्पू का प्रयोग करिए फिर आप बताएंगे इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे तो ये लीजिए हमारा शैम्पू बनकर रेडी है तो आप लोग इसको बनाइए और फीडबैक शेयर कीजिएगा मेरे साथ में ठीक है सो गाइज देखा आपने हमारा जो शैंपू है बन करके रेडी हो चुका है इस शैंपू को आप लोग बना करके पंद्रह दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं अभी ठंडियां बढ़ जाएंगी तो दिसंबर में आप अगर इस शैंपू का प्रयोग कर रहे हैं बना रहे हैं तो ये शैंपू आपका एक महीने तक खराब नहीं होगा आप ऐसा नहीं है कि हर महीने में शैम्पू शेयर कर रही हूँ तो आप हर महीने शैंपू बनाएं आपको जो शैम्पू शूट हो जाता है आप वो यूज कर सकते हैं मैं हर महीने चेंज करती हूँ क्योंकि देखिए मुझे वीडियो बनानी होती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चीजों को बनाकर फेंकू तो आज की वीडियो में जो शैम्पू शेयर कर रही हूँ इससे मेरा कल हेयर वॉश होगा तो आप लोग को मैं शेयर करूंगी अपने ब्लॉग चैनल पर और आज कल हेयर वॉश करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए मैं बहुत ही डिफ़िकल्टी से हेयर वॉश कर रही हूँ और मुझे अभी लगेगा मार्च तक मुझे ऐसे ही करना है मैं बहुत सारी चीज़ें इसीलिए अपने बालों में नहीं लगा पा रही हूँ बट हाँ नाइट हेयर पैक टॉनिक और सिरम का प्रयोग मैं कर रही हूँ ऑयल लगा रही हूँ लाइट हेयर पैक यूज़ कर रही हूँ ठीक है तो आप लोग इस शैम्पू को बनाइए और मेरे साथ में इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये शैम्पू कैसा लगा, ठीक है थीके? तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल की वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन ऑयल के साथ में तो आप लोग इस शैम्पू को बनाइए यूज़ कीजिए मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा बाय लव यू टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा बाई